Hello, good morning children. Today I will teach you in English of class 8, Siyaji, the place of wild roses. It means, you know, Siyaji is the place in a state, Tibet in India, which is very difficult area. In this area, we know our soldiers every time. They are ready to save our country and they are already dutiful. Children, here are some words. यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं. इसमें से आप सियाचिन the place of wild roses. Roses आप लोग को समझ में आता है roses. इसका मतलब होता है कि ये गुलाब. गुलाब से परिचित है. वाइल्ड रोजेस यानी एक जंगली गुलाब. सियाचिन एक ऐसा जगह है जहाँ पे जंगली गुलाब के लिए मशहूर है. तो बच्चों, इस पाठ में हम आप लोगों को कुछ वर्ड से परिचय कराते हैं. जैसे लॉयल्टी, ड्यूटी, रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस, सर्विस, दिस ऑल थिंग्स कम फॉर आवर सोल्जर्स. दे ऑलरेडी depends their duty honestly. वे ईमानदारी पूरा जब ड्यूटी करते हैं. हम जब जैसी चर्चा करेंगे कि हमारे देश में जो देश के लिए सेक्रीफाइस बलिदान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हैं, वे एकमात्र होते हैं हमारे सैनिक सोल्जर. और ये सियाचिन एक ऐसा प्लेस है जहां पे टेम्परेचर तापमान -40 डिग्री माइनस. अभी जब बच्चों जानते हैं कि हम लोगों को यहाँ अगर 15 डिग्री 10 डिग्री 5 डिग्री तक ठंडा दे तो काफी हम लोग काफी लगते हैं. आप लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि -40 डिग्री में हमारे यहाँ के सोल्जर पूरे उस सियाचिन बेस में रखवाली करते हैं और हम लोग इसके लिए चैन से तब अपने घरों में सोते हैं. यहाँ पे हम इस पाठ में पाएंगे कि सियाचिन नाम है उसको हम डिफाइन करते हैं. फर्स्ट पार्ट का है सिया मींस रोज, गुलाब. ये तिब्बत का एक बाल्टी लैंग्वेज है वहां पर, उसको सिया मतलब वहां गुलाब कहते हैं. और चून मतलब फॉर इन लार्ज क्वांटिटी, वहां एक प्रचुर मात्रा में वहां पाया है, उसको कहते हैं चून. इसी से बना है सियाचिन. सियाचिन यानी वाइल्ड रोजेस, जंगली गुलाबों के लिए ये बहुत ही मशहूर है. और यह समुद्र से इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,753 मीटर. और यानी अगर फीट में कहेंगे 18,875 फीट. और उसी प्रकार इतने ऊंचाई पर हमारे देश के सैनिक, सोचिए कल्पना कीजिए कैसे हमारे देश की रक्षा करते हैं उतने ठंड में. इतनी ठंड होती है कि शायद वहां पर खून, हमारा खून अगर फूला रहे, पूरे पहने रहते हैं तो खून में फेफड़ा का जो खून जम जाता है. और इस तरह से उतनी डिफिकल्ट जगहों में हमारे इस तरह से बहुत सारे सैनिक इतना लड़ाई में नहीं बल्कि ऐसे परिस्थितियों से भी बलिदान होते हैं. वहां पर एक जगह है लाइन ऑफ कंट्रोल जो 1972 बनाया था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच बनाया गया है. उसमें पाया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ हिंदुस्तान, और इसी बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल में हमारे देश के सोल्जर इसको रक्षा करते हैं. यहाँ पर 1994 में और 1999 में दो बार यहाँ युद्ध हुआ है जिसमें ये उसको पाकिस्तान को मात खानी पड़ी, आप सभी जानते हैं. और यहाँ पे एक है हेलीपैड बनाया गया है जिसका नाम है सोनम, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सबसे ऊंचा हेलीपैड बनाया गया. दुनिया में इतना ऊंचा हेलीपैड कहीं पर नहीं बन गया, यानी उस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से जो उतरता है उसी को वहां पर हेलीपैड कहते हैं. और इसके कुछ ऐसे भाग हैं बताते हैं में इस पार्ट में पाएंगे कि 1984 में एक ऑपरेशन हुआ था हमारे सैनिकों के द्वारा जिसका नाम दिया गया था मेघदूत. मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था 1984 में. इसका एक ही मात्र कारण था कि उन लोगों को पता चला कि एक पाकिस्तानी ऑपरेशन जो कि अबाबिल है वो लोग चला रहा है भारतीय सैनिकों पर या भारतीय सीमा पर चढ़ाई करने के लिए. तो उस 21,000 फीट ऊंचाई पर भी वहां पर जाके उन लोगों ने
इसकी रक्षा हेतु हमारे सैनिक उसके पूर्व पहुंच गए थे और उनके पूरे ऑपरेशन को नाकाम कर दिया था। इस तरह से हमारे यहाँ सियाचिन में हमारे सैनिकों द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। तो हम बच्चे ये जरूर प्रण करें कि जहाँ भी हमारे सैनिकों को देखें उनको हार्टली दिल से उनको धन्यवाद दें, उनके सम्मान करें और हम ये उनसे कुछ सबक लें कि हर क्षेत्र में कैसे हम लोग अपने देश के प्रति लोगों को रिस्पेक्ट ड्यूटी कर्तव्य को निभाएं। यानी इस तरह से हम लोग बच्चों की एक तरह से प्रेरणा मिलती है कि इतने बहादुर लोग इतने बहादुर सैनिक हमारे देश में पाए जाते हैं जिनके कारण आज हम अपने देश में घरों में सुकून की नींद सोते हैं। तो उम्मीद है कि आप भी इस पाठ से बिल्कुल एक प्रेरणा लेंगे और अपने अंदर देशभक्ति की भावना को लाएंगे। धन्यवाद।